नमस्कार देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं जो प्रधान जीते हुए हैं हमारे बीच में, इसके लिए बुजुर्ग से हमारे बीच में जीते हुए प्रधान वीरेंद्र उर्फ अशोक अहरवार जी इसके बुजुर्ग से जीते हैं। प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। वीरेंद्र जी इनसे जानते हैं कि आखिर कितने वोटों से इनको जीत मिली है, कितने दिनों का संघर्ष रहा है ग्राम स्किल से प्रधान बनकर आए। अगली आवाज़ प्रधान जी की। प्रधान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप स्किल बुजुर्ग से प्रधान बन गए। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आखिरकार कितने वोटों से जीत मिली आपको? 892 वोट से जीते। 892 वोटों से। प्रधान जी कितने दिनों का संघर्ष रहा जब आप प्रधान बन पाए? 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल से किस प्रकार के लोगों के बीच में दुख सुख में जाते रहे? गांव में तो किसी का भी हो, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया मैंने। अच्छा जी, तो क्या मानते हो आपके संघ कितने प्रत्याशी थे मैदान में? 4 प्रत्याशी। 4 प्रत्याशी थे तो गाँव के अंदर। प्रधान जी ये इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? अरे गांव के समस्त मतदाताओं को। तो गांव के अंदर जो विकास अधूरे पड़े थे, तो अब किस प्रकार मूवमेंट से ये विकास पूरे होंगे? देखो सर्वप्रथम तो मैं शिक्षा पे ज़्यादा जोर दूँगा। शिक्षा पे ठीक, और जितने भी बकाया काम पड़े हैं उनको सभी कार्यों को पूरा कराऊंगा। और ख़ासतौर से साफ सफाई स्वच्छता गाँव में ये अनिवार्य है। अच्छा, ग्राम स्किल से क्या कहना चाहोगे ग्रामवासियों से जिन्होंने आपको प्रधान बनाया? मैं अपने ग्रामवासी के मतदाताओं का जीवन ऋणी रहूँगा जिन्होंने मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे प्रधान बनाया। मैं उनका ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस गांव का नेतृत्व करने का मौका मिला है और गांव को हर तरह से स्वच्छ और सामाजिकता यहां गांव में बनी रहे और शांति बनी रहे, इसके लिए प्रसन्न रहूँगा। ये थे अशोक अहरवार जी जो स्किल बुजुर्ग से प्रधान बनकर आए हैं। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर ग्राम स्किल में देने का काम करेंगे। इन्होंने संकल्प लिया कि शिक्षा का आभार इस प्रकार है अनेकों गांव में, तो इन्होंने अपने गांव के अंदर शिक्षा पर बात करी और शिक्षा गांव के अंदर हर बच्चों को देने का कार्य करेंगे अशोक अहरवार जी। कैमरा मैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।